हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे जरूर बताना कमेंट करके। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं रावण दहन। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, तैयार हुआ और सब हो गए हैं। तो यहाँ सब डिसाइड हो रहा कौन कौन जा रहा है। तो मेरे भाभी मेरी अभी तक तैयार ही नहीं हुई। पापा कह रहे पता नहीं कब से तैयार हो रही। मैं कहा चलो देखते सर क्या कर रही मेरी भाभी। तो भाभी मेरी तैयार हो रही थी, ये देखिए। तो भाभी मेरे बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ निकलना है। हम लोगों को बच गया था 8:30 जाते जाते। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जल्दी निकलो, मतलब गुस्सा कर रहे थे ना कि बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो नहीं बनेगी वहाँ पर क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो सर ठीक है निकलते हैं, भीड़ नहीं होगी। और एक तो सब बच्चे थे पहले, ये देखिए हम लोग निकल गाड़ी वाड़ी निकाल रहे हैं। एक तो सब बच्चे वच्चे जा रहे थे ना, तो सबसे मेन बात इनकी टेंशन थी कि इनको लेकर कौन चलेगा, इसलिए पापा हमारे गाड़ी लेकर जा रहे थे। पहले हम भी लोग गाड़ी से गए थे, मगर फिर हमने आधी रास्ते से गाड़ी वापस करा दी, फिर हम लोग पैदल गए थे। तो यहाँ मेरे पापा गाड़ी निकाल रहे हैं, ये देखिए। हम मोहल्ले में बिल्कुल सुनसान है। ये हमारी गाड़ी किधर खड़ी है, पापा गाड़ी है। तो पापा गाड़ी निकाल रहे हैं। पापा गाड़ी में मेरी मम्मी गई थी। यहाँ नरपुर मेरे कह रहे थे तुम इसमें बैठ के जाओगी कि हम मतलब कि मम्मी बैठेंगे। मैंने कहा नहीं मम्मी इसमें बैठ के जाएंगी। तो यहाँ पर मम्मी सोना पीहू बैठती था कोई, ये सोना बैठने जा रही है मेरी भाभी की लड़की। तो ये देखिए बैठ रही है, इसका मन नहीं था इसमें बैठने का। इसको कह रहे थे मैं भी पैदल चलूँगी आप लोगों के साथ। मैंने कहा पैदल ना चलो बहुत दूर है। तो इसलिए मम्मी मेरे को मेरी बैठ रही हैं। मेरी मम्मी जाने का मूड बिल्कुल नहीं था क्योंकि कह रहे थे मेरे पाँव दर्द होने लगते हैं। मैंने कहा नहीं मम्मी चलो। और फिर कह रहे थे लाओ हम बेबी के ले लें। हम कह नहीं बेबी के ना लो। तो सब लोग देखो ब्लॉग में बाय कर रहे हैं, देखिए सब लोग बाय कर। वो पीहू आगे बैठ गई है। इन्हीं के लिए मैंने गाड़ी गई थी क्योंकि देखो बच्चों को लेकर ना मेले में ही चलाने लग जाता है। तो इसलिए हमने कहा गाड़ी ले लो, गाड़ी तक छुड़वा दो। तो उसकी बात देखो भाभी कह रही हैं। और भाभी कह यहाँ भाभी हंस रहे थे कि यार हम लोग पैदल जाएंगे। हम कहें हाँ पैदल चलते हैं। नहीं हम लोग आधी दूर तक भी गाड़ी से गए थे, फिर लोग वापस आके गाड़ी खड़ा कर रहे थे। देखो मेरे पापा जा रहे हैं, देखो अब हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ मेरी भाभी, हम लोगों को तो कह रहे ना ऑटो मिल गया था, तो आधे रास्ते से हम लोग ऑटो में भाभी बैठी हैं, ऑटो में हम लोग जा रहे हैं। अब मैंने कहा थोड़ा सा मैं ऑटो का भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ भाभी का। तो यहाँ हम लोग निकल रहे हैं। पापा और लोग इधर ही साइड में खड़े थे, आप लोगों को दिख जाएंगे। अच्छा ये देखिए, अच्छा इधर उतर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ मैं पैसे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं यहाँ सबसे बड़ी बड़ी की गलती में 500 के नोट लेके गई थी। मैं पूरे मेला लेके घूमी, मेरी 500 के नोट नहीं टूटी है यार। फिर मेरी भाभी ने पैसे दिए थे सब, तो मैंने कहा यार दे दो। तो मेरे हस्बैंड बिगड़ रहे थे, कह रहे थे 500 को नोट लेके आइए कहीं टूट नहीं रहे। और मेरे हस्बैंड यहाँ कह रहे कि यहाँ थंबनेल ले लो, यहाँ का फल का थंबनेल बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है लेते हैं। मैं कहा भाभी फ़ोन लगा रही थी पापा को बार बार कि पापा आ जाएंगे कि हम लोग आगे, बहुत ज़्यादा आगे आ गए थे। यहाँ मेला नहीं था, मेला पीछे था, हम लोग आगे आ गए थे क्योंकि यहाँ तक दुकानें थी, मगर रावण दहन ना पीछे था, रावण पीछे बना था। तो हम लोग आगे ज़्यादा ही आ गए। तो देखिए मैं थंबनेल के लिए कह रही मैं ऐसा थंबनेल ले लेते हैं। अब भाभी बात करने में लगी हैं। तो मैंने आलपिन, देखो साड़ी मैंने ऐसे ही पहनी थी नॉर्मली, मैंने आलपिन भाभी ने अच्छी साड़ी पहनी थी, बढ़िया मस्त। इतनी गर्मी लग रही थी ना, ऐसा भीड़ भीड़ में जाओ ना तो ऐसा और गर्मी लगती है यार। तो अभी तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। तो यहाँ मैंने अपने बेटे के लिए कंगन लिए थे आर्टिफिशियल, ये देख लिए। तो मैंने लिए नहीं थे, मैंने वापस रख दिए थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं इसको रखो, मेरी बेटी गिल्ट नहीं पहनेगी। मैंने कहा चलो रख देते भैया, क्योंकि घर में चांदी के रखे हैं ना। तो मैंने कहा इसका क्या, मैं कहा इसमें आवाज़ आ रही थी, मैंने इसलिए कहा था कि ले लेते हैं। फिर देखिए चारों तरफ, और यहाँ पर छोटी छोटी बाल्टियाँ थी यार, बड़ी अच्छी लग रही थी। मैं दिखाने भी जा रही थी अपने हस्बैंड को, देखो बाल्टी कितनी अच्छी लग रही थी, देख लो स्टील की अच्छी लग रही ना। तो मैंने रख दिया। पापा ही मम्मी यहाँ देखो आ गए ये लोग। तो मम्मी कह रही थी कि ये क्या लिए, मैंने कहा कंगन लिए। तो कह रही नहीं इसको मत लो, इसको रख दो। तो मैंने कहा जना ही रख देते हैं, ले लेते हैं। यहाँ मेरी मम्मी कह रही बिना बताए चलिए आगे, मेला पीछा है, तुम लोग आगे आ गई हो। तो मैंने कहा मम्मी भीड़ तो इधर ही भी है। तो कह रहे इधर इसलिए भीड़ है क्योंकि इधर दुर्गा मंदिर है ना, तो सब लोग उधर दर्शन भी करने आए हैं। तो इसलिए मम्मी मेरी बिगड़ रही थी, चलो पीछे मेला है। तो मैंने कहा चलो सर ठीक है पीछे चलते हैं। तो हम लोग पीछे के लिए निकल रहे थे। यहाँ मैंने कहा पूरा अगल बगल दिखा दी, मेरे हस्बैंड ही ब्लॉग मेरा बनाते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। और कोई और नहीं था। तो ये देखिए हम लोग रोड पार होके आ रहे हैं, हम भाभी और मेरी, ये पैदल आ गई थी। अब मम्मी कह रही थी लाओ मैं इसको ले लेती हूँ गोद में। मैं मतलब मेरी बेटी सो रही थी ना आधे रास्ते, जैसे मैंने मम्मी को देने लगी थी वैसे मेरी बेटी जग गई थी। तो मैं यहाँ इसको पैदल लेके चले, देखो ऑटो में कैसे बैठी, देख रहा। एक तो सो के उठी ना, कहती कहाँ हम सोए थे, कहाँ हमको आँखें हमारी खुली हैं। तो वो देखिए कैसे खुश है, ये देखिए कितनी भीड़ है यार, बहुत भीड़ थी। और तो यहाँ हम लोग निकल रहे हैं, देख रहे भीड़ कैसे है। सबसे ज़्यादा मुझे डर लग रहा था अपने फ़ोन का कि बताइए ऐसे
ब्लॉग बना रहे, कोई झपक्का मार के चल दिया तो फोन, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था फोन सबसे मेन, मुझे फोन का टेंशन था। मैं उनसे के बार बार कह रही थी कि फोन मजबूती से पकड़ना, वीडियो बना रहे हो अच्छे से, क्योंकि अगर मेरा मोबाइल चला गया ना तो मेरी 3 साल की मेहनत भी चली जाएगी। मगर नहीं, वो कह रहे चल तुम चलो आराम से। यहाँ पर आगे स्टार्टिंग में बहुत भीड़ थी, बीच में देखो कैसे खाली, देख रहे हो कैसे खाली है। तो ये हम लोग पहुँच गए, आप रामण जी के दर्शन कर लीजिए, ये देखिए रामण। तो ये हमसे कह रहे थे अगर तुम्हारी शक्ल ले रहे हैं तो रामण नहीं आ रहा। मैंने कहा एक काम करो, रामण ऊपर से लो फिर नीचे से हमको लो। तो कह रहे ठीक, अच्छा तो देखिए एक ही रामण अब तक बना था, पिछले साल तो भी 3 रामण थे, अब तक एक ही है। कोई बात नहीं यार, अपने मन का रामण मारो बस। अरे मैं तो भी, मेरा हस्बैंड सुनेंगे तो कह रहे ज्ञान दे रहे, चलो कोई बात नहीं, अच्छा तो आप लोग वीडियो इन्जॉय कीजिए देखिए। तो मुझे बार बार कह रहे थे तू अच्छे दिखा, मैंने कहा कैसे मैं दिखाऊँ, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, रामण अच्छा था। लगे नहीं जाने दे रहे थे बताइए किस लिए, क्योंकि मैं पब्लिक लगे ज़्यादा लगे नहीं जा रही थी पब्लिक, मैंने कहा अंदर तक जाते हैं ना तो बड़े मज़ा आ जाती, मैं फ़ोटो खिंचाती। तो देखिए मेरे हस्बैंड कह रहे इशारा करो, तो मैं इशारा कर रही कि रामण देख लीजिए। मैं बार बार अपनी भाभी बुला रही थी, भाभी मेरे ना भैया को ना वो वीडियो बना के दिखा रही थी कि देखो हम लोग पहुँच गए, क्योंकि भैया सरकारी नौकरी करते हैं ना तो बाहर रहते हैं, तो उन्हीं को ही दिखा रही मेरी भाभी। तो ये देखो कैसे टेढ़ा मेढ़ा करके वीडियो बना रहे, को समझ में नहीं आता यार इस लड़के का। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ध्यान ही नहीं दिया, थोड़ा कट मारना था, चलो कोई बात नहीं चल जाएगा यार। तो आप लोग देख सकते हो रामण कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए थंबनेल में देने लगी थी, मेरे आके सामने खड़े हो गए, तो मैंने कहा भैया थोड़ा हट जाओ, मैं वीडियो बना रही, तो हट गए थे। उसके बाद अब देखो क्लियर रामण, देखो अच्छे से दिख रहा ना। तो यहाँ वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ हादसा हो गया था एक टाइम, मतलब रामण जन्ने से पहले यहाँ आग लग गई थी। और तो हम लोग यहाँ से पहले तो निकल गए थे, अब जल्दी हम लोग निकल गए, मगर हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया था यहाँ का, मगर वो बड़ा हादसा होते होते बचा, हम लोग वहाँ से निकल गए। पब्लिक पूरी वहाँ की हटा दी, मतलब हटा दिया गया था कि हट जाओ यहाँ से, पता नहीं कैसे आग लग गई थी, हमको तो यही नहीं पता है। तो हम लोग निकल आए थे, ये देखो इतनी पब्लिक खड़ी है, देख रहे हो कितनी पब्लिक है। और हम लोग, तुमको मालूम है आप लोग को, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि हम लोग गए हैं ना, कुछ खाए नहीं, कुछ भी नहीं खाए, सिर्फ मेरे सोना थी उसने सिर्फ 10 रुपये गोल गप्पे खाए थे, और कुत्ते एक थे उसने गुल्लक लिया था घर वाला 100 रुपये का, बाकी हम लोगों ने कुछ ना खरीदा ना कुछ खाया, सिर्फ घूम के चले आए मैन। और हम लोग मतलब जो आप लोग नहीं देख पाए हो, मैंने रामण ध्यान ना, तो मैंने चलो आप लोगों को मैं ही दिखा देती हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। तो हम लोगों ने रामण ध्यान भी नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ पर आग लग गई थी, तो सब पब्लिक यहाँ की हटा देखी थी हड़बड़ी हड़बड़ी में, तो हम लोग भाग गए थे। हम लोग चलो भाई चलते हैं यहाँ, वो बड़ा हादसा होते होते बचा है। तो मेरी बड़ी देखो उसको झुमियाँ आ रही हैं, मैंने कहा इसका भी थोड़ा वीडियो बना लो, तो कह रहे चलो अच्छा ठीक मैं बनाए ले रहा हूँ। तो हम लोग अब यहाँ से, ये देखो ये यहाँ पर दुकानें लगी हैं, मैं इनसे कह रही थी यहाँ से मैं कुछ ले लूँ, मगर वो कह रहे थे नहीं यहाँ से मत कुछ लो, बहुत महंगा है। सही में बहुत महंगा था यार इस मेले में, मेले में तो ऐसे हमको लग रहा ना और चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं नहीं ले रही भैया, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, तो मैंने वहाँ से निकल दिया था। तो मैं अभी अपने ना ससुराल लौट आई हूँ, तो यहाँ से वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी भतीजी ने इतना ईंट कर रही थी झूला झूलने के लिए, इतनी भीड़ थी कि हमारा नंबर ही ना आता, यहाँ पर इतनी भीड़ थी, देख रहे हो कितने बच्चे लगे। और ये था 25 रुपये का झूला ये वाला, और इसमें नहीं झूलाया था, रोने लगी थी। फिर हम लोग आगे गए थे, तो आगे भी वो जो उलड़ने वाला है ना, जो चलो अभी आप लोगों को आगे दिखता है, तो उसमें भीड़ कर रही थी कि इसमें मुझे जाना है। तो मैंने कहा नहीं भाभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, उसको लग जाएगा, और उसमें सब अगर आप लोगों